श्रीनारायण सिंह जी के वचस्वी गर्भित अभिभाषण से दर्शन को प्राप्त सोचा नहीं जा सकता था, लेकिन हम सब भी अपने बेटों पर बच्चों पर दबाव देते हैं और अच्छा है। लेकिन 70 के बाद मुझे याद है 70 पॉइंट समथिंग था, बहुत सारे लोग गांव में देखने आए थे और तब लगता है। अगर ऐतिहासिक रूप से आप देखें तो विशेष कालखंड में हमारी प्रतिभाओं को नष्ट करने के लिए विदेशी आक्रांताओं ने हमारे ऊपर हमले किए, हमारे विश्वविद्यालय चलाए गए, हमारे पुस्तकालय हमारी लाइब्रेरियां चलाई गई, जिससे हमारा ज्ञान नष्ट हो जाए। लेकिन ये ईश्वर का देश, गंगा जमुनी के तहजीब का ये देश, पर हमें उम्मीद है अब कि नहीं, हमारा राष्ट्र के बालक है, ये निश्चित रूप से राष्ट्र का मान, राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र का उत्थान तीनों करेंगे। और जो हमारे ऋषियों की, मनीषियों की संकल्पना रही है, निश्चित रूप से संकल्पना साकार होगी। हम सब बचपन में जो हम लोगों को हमारे गुरुदेव शिक्षा दिया करते थे कि विद्या धन सब धनंते अति उत्तम ठहराए। विद्यार्थियों आपके लिए है, चोर न सकत चुराए है, राजा सकत न लूट। तो ये जो आपके पास ज्ञान है, इस ज्ञान की गंगा से आप पीढ़ियों को अभिसिंचित करेंगे। और आप एक बात याद रखें, ये तन है, इसे जाना है, लेकिन जो बीच का मार्ग है जिसमें आपकी ज्ञान की गंगा बहे, तो इस गंगा से पीढ़ियां अभिसिंचित हो, इसका प्रयास कीजिएगा। कभी अपने माता पिता, अपने गुरु के नाम को कलंकित न कीजिएगा, क्योंकि आपके पास ज्ञान है तो निश्चित रूप से समाज में आप उस पद को प्राप्त करेंगे। प्राप्त करने की कृपा करें। तो तालू बजाओ। उपस्थित सभी साथियों से आग्रह है कि हमारे विद्यार्थियों का अभिनंदन कर के पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। मेरा उपस्थित सभी साथियों से आग्रह है कि कर्तव्य मन से इन अपने प्यारे विद्यार्थियों का जूनियर हाई स्कूल की टॉपर इंटरमीडिएट की मेधावी छात्रा सोना, हमने इन बच्चों के उत्साह का वर्धन करते रहे। और अब रमेश पाठ गंगवार, मेरा इन्हें मेधावी छात्र के रूप में 2,500 रुपया और क्रिएटिव कॉन्वेंट स्कूल के संचालक श्री योगेंद्र जी की तरफ से 1,000 और स्वर्ण पदक इन्हें। बहुत मेरा मेधावी छात्र उत्थान समिति के द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। हमारे बीच संस्था के संस्थापक मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या प्रोग्राम और किस तरह से प्रोग्राम किया गया है। खर्च कर देंगे न परिवार पर किसी भरोसा किया, मेधावी छात्रों को सम्मानित किया है। जी हाँ, क्या प्रोग्राम किया, किस तरह से आपने सम्मानित किया है, अपनी संस्था के बारे में। मेधावी छात्र उत्थान समिति जो यूपी में काम करता है, उसको 11,000 या 5,000 स्वर्ण पदक और 22 वर्ष से मैंने अब यही देता हूँ। किसी की इतनी बड़ी ताकत हो, हनुमान जी को रिटायर हुआ, संस्था को
हनुमान जी की भी ऐसी तैसी करके आप कहाँ से ऐसी आपको प्रेरणा मिली और इससे क्या संदेश जाएगा समाज में और बच्चों का क्या भला होगा? किसी कचहरी में खड़ा कर नहीं है जब पढ़ लिख कर कुछ अच्छा निकला पदों पर गया और तो मन में किसी की कृपा जरूर है। वो हनुमान मंदिर वाले हनुमान तो क्यों ना उससे हम ऐसे आज के बच्चों को भी आगे बढ़ाए इस पंजे को का जो भाषक आज मिलता है प्रतिभाशील बच्चों में बांट देता उन्हें फ्रॉड निकल जाए तो नाम रमेश पाल गंगवार है। मेरे स्कूल का नाम सिटी मोंटेसरी स्कूल है। 10th क्लास में हूँ। 94% अंक। किस तरह से आपने हासिल करी मेहनत की आपने किस तरह से अपनी परीक्षा की तैयारी की थी? सेल्फ स्टडी की दिन में लगातार 3 या 4 घंटे पढ़ना और टीचर्स की क्या संदेश देंगे आप और छात्रों को कि वो सब अपनी टीचर्स का वो माने बात और सेल्फ स्टडी या कोचिंग जो भी हो वो राजनीति महत्वाकांक्षा के अगर मैं अगर आपको कहीं गोरखपुर दिल्ली जाना है तो जो बस से जाना है तो बस के टिकट कटाएंगे ट्रेन से क्लास में आप आएंगे हवाई जहाज से कटाना हवाई जहाज टिकट कटाएंगे। किस तरह से आपने अपनी पढ़ाई की आपकी साधन कैसे आए क्या आप कहेंगे आप सड़क बनाना शुरू कर देंगे तो कोई इतना पागल ही कर सकता कि हम नहीं सड़क बनाएंगे जाने के लिए अपना नैतिकता की बात करना तो सड़क बनाने जैसा आप क्या संदेश देंगे तो उस लिहाज से तो आप लोग पागल ही है थोड़ा थोड़ा करके आप भी आगे बढ़िए। मेरे नाम सोनम सिंह है। लेकिन कभी कभी समाज में आपने बच्चे को और जो भी पढ़ती थी जब तक वो अच्छा करता रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है आपको बड़ा गर्व होता है अच्छा नंबर पाया आज्ञाकारी हुआ आज्ञा मान रहा है बातों को मान रहा है यही बड़ा अच्छा लगता है। क्या लक्ष्य आपका क्या करना चाहते जीवन में? लेकिन एक दिन रात को अगर बहुत नशे में शराब पी के आ जाए मैं नहीं समझता कि भारतीय परिवेश में कोई माँ बाप इसको बर्दाश्त कर थोड़ी छिपे पी रहा तो ठीक यही कहना चाहूंगी कि पहले लेकिन शराब के नशे में आके आपको क्या करना है और कितने लोग बर्दाश्त कर पाएगा कितने लोग बर्दाश्त कर पाएगा बल्कि अपने प्रदान तो नहीं करेंगे और जनपद में मेधावी छात्र उत्थान समिति के द्वारा 5 मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया है राशि दी गई है। ये छात्र मेधावी संस्था का कारनामा शाहिद रिजवी के साथ ऐसा तो नहीं है कि मेरा बच्चा कहीं